वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ का एक्सरसाइज 2.3 हम आज करेंगे। क्लास एट्थ में एक्सरसाइज 2.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना समझाया था। मैंने आपको कहा था कि जो इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, माना कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हम क्या करते हैं, बराबर के बाएँ तरफ क्या रखते हैं, चर राशियों को रखते हैं, और बराबर के दाएँ तरफ क्या रखते हैं, अचर राशियों को रखते हैं। इन इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, जो एक्स वाले चर हैं, चाहे एक्स वाला हो, वाई हो, कोई भी अन्य चर हो, हम क्या करेंगे, उन्हें बराबर के किस तरफ, बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड रखेंगे, और अचरों को बाएं बराबर के दाएं तरफ रखेंगे। ये देखिए, मैंने आपको पिछले पहले के वीडियो में कुछ इक्वेशन समझाए थे ये सॉल्व करना। हम आज इन इक्वेशन के सवाल करेंगे, तो हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आज का नंबर आपका एक्सरसाइज 2.3 करने का है। तो एक्सरसाइज 2.3 को मैं आपको करा रहा हूँ फिर कॉपी में, आप इसको फिर कॉपी में करेंगे, समझेंगे। मैं आपको अलग से होमवर्क भी दूंगा इसके लिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, पहले लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर रिजल्ट। मैं आपको रिजल्ट चेक करना नहीं समझा रहा हूँ, मैं केवल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना समझा रहा हूँ। रिजल्ट को चेक करना मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, कभी स्कूल में। अभी यहाँ पे मैं आपको केवल क्या कर रहा हूँ, हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको समझा रहा हूँ केवल। पहला प्रश्न लिखा हुआ है थ्री एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एटीन। तो ये लिखा हुआ किताब का प्रश्न, 3x = 2x + 18। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कि हम क्या करेंगे, बराबर के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में चर राशियों को रखेंगे, यानी कि वेरिएबल्स को रखेंगे, और बराबर के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में अचर कांस्टेंट राशियों को रखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 3x रहने देंगे ऐसे ही, क्योंकि पहले से बराबर के बाईं तरफ है। अब 2x को हम क्या लाएंगे, बराबर के दाएँ से बाएँ लाएंगे, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे। और जिसको हम, मैंने आपको कहा था कई बार कि जिसका हम पक्षांतरण करते हैं, जिसके हम साइड को चेंज करते हैं, उनके हम क्या कर चिन्ह बदल देते हैं, धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा करते हैं। तो 3x आ गया, इसके आगे चूंकि प्लस है, क्या हो गया, -2x। हम 2x को बराबर के दाएँ से बाएँ लाए हैं, चूँकि 2x के आगे प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह माना जाता है, प्लस का क्या बन गया, माइनस बन गया, = 18। और 18 बराबर के दाएँ तरफ प्रश्न में यहाँ है, यहाँ भी वो दाईं तरफ है। और मैंने आपको ये भी कहा था, हम केवल उसी चर के या केवल उसी चर के चिन्ह बदलेंगे जिन चरों को या अचरों को हम बराबर के बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लाएंगे। अब लिखेंगे हम और या 3x और 2x घटाओ जरा, 3 से 2 गया 1x, बराबर क्या, 18, यानी कि x = 18। इसका आंसर है x = 18, क्योंकि यहाँ पर 3 में 2 घटा के हम क्या लिखते हैं, 1, यहाँ पर 1x है, तो ये x ही लिखेंगे इसको हम, x = 18। तो हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 है बुक्स में, 5t - 3 = 3t - 5। तो 5t - 3 = 3t - 5 लिखा हुआ है, हम लिखेंगे, मैंने आपको कहा कि 5t को यहीं पर रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 3t को बराबर के दाएं से कहलाएंगे, बाएं लाएंगे, क्योंकि 3t के आगे प्लस चिन्ह है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा, माइनस क्या, 3t इक्वल टू, अब ये चूंकि -5 है, इसको -5 ही रखेंगे, क्योंकि हम इसको सेम उतारेंगे, इसके आगे माइनस है, तो माइनस का माइनस रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, 3 को लाएंगे यहाँ। अब चूंकि हम 3 को बाएं से दाएं ला रहे हैं, और 3 के आगे क्या है, माइनस मार्क है, इसका बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा, +3। तो आप समझ गए होंगे भाई, 5t वहीं पर है, जब 5t का स्थान वही है, इसलिए उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने क्या किया, 3t को हम बाएँ से दाएँ लाए हैं, दाएँ से बाएँ लाए हैं, तो इसके आगे प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया, बराबर आ गया, -5 यहीं पर है, ऋण 3 को क्या हो गया, -3, क्योंकि बराबर के बाएं से दाएं आया हुआ है। तो आप ये समझ जाइए, हम जिसको बराबर के बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लेंगे, केवल उन्हीं के चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा, अब नियम इसका क्या है, जो दोनों चर राशियाँ हैं, यानी कि TT, यहाँ पर XX, कहीं पर YY, कहीं पर ZZ, तो जो बराबर चर राशियाँ हैं, हम क्या करेंगे, बराबर के उनको एक तरफ रखेंगे, कहाँ तरफ, बाएँ तरफ, T और T बराबर के लेफ्ट में आ गई, और -5 + 3 कहाँ गया, दाएँ तरफ आ गया। जो अचर राशियाँ हैं, यानी कि जो पूर्णांक हैं, हम क्या रखेंगे, उनको बराबर के राइट साइड लिखेंगे। यहाँ भी ऐसे क्या, हमने 3x - 2x, दोनों x कहाँ आएंगे, बराबर के बाएँ तरफ, और वह हमने क्या, यहाँ भी किया। अब देखिए इससे क्या होगा, और 5t - 3t, 5 से 3 कितना हुआ, 2t इक्वल टू, यहाँ देखिए -5 + 3 प्लस माइनस समय से घटते हैं, तो क्या आएगा, -2, क्योंकि घटाने के बाद हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं,
इनमें बड़ा कौन है, पांच है, पांच क्या माइनस है, यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। और देखिए यहाँ पे टी इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन टू, कौन सा नियम, दो कम यहाँ से आना है, चूंकि इनके बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई से क्या बन गया, ये डिवाइड बन गया, और टी इक्वल टू टू वन या टू माइनस क्या वन, इसका आंसर आ गया टी इक्वल टू क्या माइनस वन। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइव एक्स प्लस नाइन इक्वल टू फाइव प्लस थ्री एक्स, तो ये प्रश्न है फाइव एक्स प्लस नाइन इक्वल टू फाइव प्लस थ्री एक्स, फिर आप नियम समझ गए होंगे, फाइव एक्स आप लिखिए, अब हमें क्या करना है, एक्स और एक्स बराबर के बाएं तरफ लाने हैं, एक एक्स फाइव एक्स तो यहीं पर है, हम क्या करें थ्री एक्स को भी यहाँ से कहना आएंगे बराबर के दाएं से बाएं आएंगे, क्योंकि एक्स एक्स एक तरफ हो जाएंगे, इससे एक्स एक्स क्या हो जाएंगे बराबर के बाएं तरफ हो जाएंगे, और अचर राशियाँ बराबर के दाएं तरफ चले जाएंगे, कैसे फाइव एक्स दिया गया, इसके आगे चूंकि क्या प्लस है क्या बन जाएगा माइनस थ्री एक्स इक्वल टू, अब जो संख्याएं हैं नौ पाँच है कहाँ जाएंगी दाएं तरफ, पाँच तो पहले से दाएं तरफ है, पाँच पहले ही क्या है दाएं तरफ है बराबर के, हम नाइन को यहाँ से आनाएंगे, नाइन क्या चूंकि प्लस है या क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा नाइन, और फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स पाँच से घटाइए तीन कितना हुआ टू एक्स इक्वल टू माइनस फोर, पाँच से घटाएंगे नौ कितना हुआ माइनस फोर हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू माइनस फोर अपॉन टू, क्योंकि इनके बीच गुणा काउंटर क्या हो गया भाग हो गया, और एक्स इक्वल टू 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 जा फोर यानी कि माइनस टू, तो प्रश्न तीन का आंसर भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर, फोर फोर जेड प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स प्लस टू जेड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे, फोर जेड टू जेड को हम यहाँ लाएंगे, फोर जेड माइनस टू जेड क्योंकि इसके आगे प्लस है, तो क्या बन जाएगा ये माइनस टू जेड इक्वल टू सिक्स यहाँ पर है, थ्री को हम यहाँ लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस थ्री से माइनस थ्री, फोर जेड माइनस टू जेड इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री, इसको आप सॉल्व खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव भी बहुत आसान है, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर्टीन माइनस एक्स, टू एक्स माइनस एक्स को हम यहाँ लाएंगे, टू एक्स प्लस एक्स और फोर्टीन प्लस वन, देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर एट, ये भी आसान प्रश्न है वैसे, फिर भी एट एक्स प्लस फोर इक्वल टू थ्री ब्रैकेट्स में एक्स माइनस वन प्लस सेवन, क्वेश्चन नंबर सिक्स ही लिखा हुआ है, एट एक्स प्लस फोर इक्वल टू थ्री ब्रैकेट्स में एक्स माइनस वन प्लस सेवन, इसको सॉल्व कीजिए, हम लिखेंगे एट एक्स प्लस फोर इक्वल टू, मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि हम कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या कोई भी सवाल को सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट्स को क्या करते हैं ओपन करते हैं, बिना ब्रैकेट्स को खोले हुए हम कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो हम पहले क्या करेंगे पक्षांतरण से पहले साइड को चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट्स के बाद क्या थ्री है, थ्री ब्रैकेट्स खोलते हैं हम कैसे हैं, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स से भी और क्या माइनस वन से भी, तो थ्री एक्स कीजिए यहाँ थ्री एक्स माइनस थ्री वन या थ्री और प्लस सेवन को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर लिखेंगे हम और एट एक्स प्लस फोर इक्वल टू थ्री एक्स, और यहाँ देखिए दोनों क्या हैं अचर राशियाँ हैं, तो सेवन से थ्री माइनस कीजिए प्लस कितना आ गया फोर, क्योंकि सात से तीन घटा क्या आएगा चार आएगा, इनमें बड़ा कौन है सात है, इसका प्लस क्या आएगा प्लस फोर आएगा, अब एक क्वेश्चन बन गया है ये, हम लिखेंगे आठ एक्स, अब देखिए ये थ्री एक्स है, इसके आगे क्या प्लस है क्या बन जाएगा माइनस थ्री एक्स, क्योंकि हम क्या करेंगे थ्री एक्स को बराबर के दाएं से बाएं लाएंगे, क्योंकि एक्स एक्स बराबर के इस तरफ लाएंगे और अचर राशियों को यानी कि संख्याओं को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे, ये क्या है फोर, अब ये प्लस फोर से क्या हो जाएगा माइनस फोर, ओके फिर लिखेंगे और एट एक्स माइनस थ्री एक्स कितना हुआ फाइव एक्स, क्योंकि आठ से तीन गाएंगे पाँच आया बराबर कितना आया जीरो, क्योंकि चार ऋण चार कितना हुआ जीरो हुआ, और एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन फाइव, जीरो अपॉन क्या फाइव, क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से क्या हो गया डिवाइड हो गया, और एक्स इक्वल टू कितना गया ये जीरो, तो हमने जो जीरो में पाँच का भाग किया तो कितना हुआ जीरो, हम कोई भी संख्या में पाँच का भाग कर कोई भी संख्या का भाग जीरो में करते हैं उसका आंसर में से जीरो ही आता है, एक्स इक्वल टू कितना गया जीरो। क्वेश्चन नंबर सेवन है बुक्स में, बुक में एक्स इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन, एक्स इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव ब्रैकेट में एक्स प्लस टेन, तो इसके अलग तरह की हो सकते हैं, एक तरीका ये है चार बटे पाँच, पाँच का हर मैं इसको यहाँ गुणा कीजिए फाइव एक्स इक्वल टू, आप समझ रहे होंगे पाँच भाग से क्या हो गया गुणा, हम जब पाँच को मैं इस पाँच को बराबर के दाएं से बाएं लाया, चूंकि यहाँ पर पाँच क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो ये चार फोर डिवाइड फाइव, फोर पॉइंट फाइव मीन्स फोर डिवाइड फाइव, ये क्या डिवाइड है, हम जब फाइव को मैं यहाँ से यहाँ आया चूंकि यहाँ पर डिवाइड था तो क्या बन गया मल्टीप्लाई हो गई फाइव मल्टीप्लाई एक्स फाइव एक्स, तो भाग से क्या बन गया गुणा बन गया फाइव एक्स इक्वल टू फोर यहीं पर है, केवल हम पाँच को लाए हैं यहाँ से यहाँ फोर अपने स्थान पर है, यहाँ गया एक्स प्लस क्या गया टेन ब्रैकेट्स में यहाँ की तरफ, अब ये बन गया एक क्वेश्चन बन गया सिंपल क्वेश्चन, हम लिखेंगे और फाइव एक्स इक्वल टू ब्रैकेट्स को खोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बार कह दिया है बिना ब्रैकेट्स को खोले भी हम सवाल हल कर नहीं कर पाते हैं,
तो ब्रैकेट्स खोलने का नियम आप क्या जानते हैं, ब्रैकेट्स के बाहर फोर है तो फोर को हम गुणा करेंगे x से भी, फोर को गुणा करेंगे क्या टेन से भी, तो फोर को x से गुणा कीजिए फोर एक्स प्लस फोर को टेन से गुणा कीजिए फोर टेन या फोर्टी चार नहीं चालीस। अब फाइव एक्स हम x को यहाँ आएंगे क्योंकि x बराबर के इस तरफ और संख्याएं उस तरफ, तो फाइव एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल टू फोर्टी। फाइव एक्स है इस फोर एक्स आगे क्या प्लस है, प्लस क्या बन गया इधर करके माइनस हो गया इस इक्वल टू क्या टेन, और फाइव एक्स माइनस फोर एक्स कितना हुआ वन एक्स इस इक्वल टू फोर्टी, क्योंकि यहाँ पर पाँच चार घटा के एक हम एक को लिखते हैं नहीं, एक्स बराबर क्या गया चालीस इसका आंसर है। किताब में प्रश्न आठ लिखा हुआ है टू एक्स पॉइंट थ्री प्लस वन इक्वल टू सनएक्स प्लस सनएक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस थ्री, तो टू एक्स पॉइंट थ्री प्लस वन इक्वल टू सनएक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस क्या थ्री। अब आप देखिए यहाँ पे इसको हल कीजिए टू एक्स अपॉन थ्री, यह एक्स वाला पद है, एक्स वाला पद यही रहेगा और एक एक्स वाला पद ये भी है सेवन एक्स, सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन। हम इसको क्या करेंगे, चूंकि एक्स वाला पद है हम कराएंगे बराबर के दाएं से बाएं लाएंगे, चूंकि इसका क्या प्लस है तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू थ्री माइनस वन। ओके हम लिखेंगे क्या, और अब यहाँ देखिए थ्री और फिफ्टीन का एलसीएम कितना गया फिफ्टीन आ गया, तीन पंद्रह का लॉसो कितना गया पंद्रह आ गया। अब आप लॉसों को, अब भिन्नों को घटाना जानते हैं, भिन्नों को जोड़ना जानते हैं, तीन का भाग तो पंद्रह में, तीन पंजे पंद्रह कितनी बार भाग गया पांच बार भाग गया, हम पांच को यहाँ गुणा करेंगे पाँच दुनी दस, थ्री फाइव जै फिफ्टीन और टू फाइव जै टेन, तो यहाँ लिखेंगे क्या टेन एक्स माइनस यहाँ फिफ्टीन वन जै फिफ्टीन, पंद्रह का भाग पंद्रह में देंगे एक बार के पंद्रह कम पंद्रह यहाँ हम गुणा करेंगे एक सात कम सात, फिफ्टीन वन जै फिफ्टीन सेवन वन जै सेवन सेवन एक्स इक्वल टू थ्री माइनस वन कितना हुआ टू, यह आ गया क्या टू आ गया, और यहाँ देखिए टेन एक्स माइनस सेवन कितना हुआ थ्री एक्स अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू क्या टू, क्या क्या हमने दस में कराया सात कितना हुआ तीन, दस सात गया तीन एक्स बटे पंद्रह बराबर क्या दो, और देखिए थ्री एक्स इक्वल टू थर्टी, कैसे थ्री एक्स इक्वल टू ये पंद्रह क्या है डिवाइड थ्री एक्स डिवाइड फिफ्टीन, और चूंकि ये भाग में है तो भाग का क्या हो गया यहाँ गुणा हो गया, तो चूंकि ये पंद्रह यहाँ पर भाग था हम पंद्रह को बराबर के बाएं से दाएं ले गए, तो यहाँ से भाग से क्या बन गया एक गुणा बन गया, तो ये समझो कि जब दो से गुणा करेंगे इसको पंद्रह दूनी त्रीस हो जाएगा सीधे, आप समझ गए होंगे कि यहाँ से क्या था भाग था दाएं तरफ गया क्या बन गया वो गुणा बन गया, तो पंद्रह दूनी त्रीस लिख गया मैंने इसको सॉल्व में, और एक्स इक्वल टू थर्टी अपॉन थ्री, यहाँ से क्योंकि तीन और एक्स के बीच मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई क्या होगा डिवाइड, जैसे यहाँ पर डिवाइड से मल्टीप्लाई हुआ वैसे यहाँ मल्टीप्लाई से क्या हो गया डिवाइड हो गया, और एक्स इक्वल टू थ्री टेन या थर्टी, तीन का भाग तीस में गया कितने बार गया दस बार, तो एक्स कितना गया दस, इसका आंसर क्या हो गया दस हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है टू वाई प्लस फाइव पॉइंट थ्री इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री माइनस वाई, तो क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ लिखा हुआ मेरा, हम यहाँ भी क्या करेंगे टू वाई लिखेंगे और ये वाई है, वाई और वाई दोनों बराबर के बाईं तरफ जो नियम हम हर बार कर रहे हैं, तो टू वाई आ गया टू वाई आ गया, अब ये चूंकि माइनस वाई है जब ये यहाँ आएगा तो क्या आएगा प्लस वाई प्लस हो जाएगा इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री माइनस फाइव अपॉन थ्री, हमने क्या किया टू वाई प्लस वाई इक्वल टू इसको हम यहाँ लाए तो प्लस वाई हो गया बराबर छब्बीस बटे तीन ऐसे लिख गया, अब फाइव अपॉन थ्री को हम बराबर के दाएं तरफ लाए इसके आगे क्या प्लस है क्या बन गया माइनस बन गया, हम लिखेंगे और टू वाई प्लस वाई कितना हुआ थ्री वाई इक्वल टू, अब चूँकि दोनों भिन्न हैं कैसे भिन्न हैं उनके हर समान है, यहाँ भी हर में थ्री है यहाँ भी हर में क्या है तीन है, तो दोनों डिनोमिनेटर क्या हैं इक्वल हैं, तो नीचे आएगा क्या थ्री और छब्बीस में घड़ा ये पाँच कितना हुआ इक्कीस, क्योंकि मैंने आपको एक बार भिन्नों के घटाने समझा रखे हैं कि भिन्नों के घटाने में या भिन्नों के जोड़ने में जब हर समान होंगे जब डिनोमिनेटर क्या होंगे इक्वल होंगे, तो हम क्या करेंगे हम यहाँ थ्री लिखेंगे और अंश में क्या करेंगे ट्वेंटी सिक्स में से फाइव क्या करेंगे घटाएंगे कितना हुआ ट्वेंटी वन, क्योंकि हर समान थे हमने क्या डायरेक्ट क्या कर दिया अंश में अंश घटा दिया छब्बीस में घटाएंगे पाँच कितना हुआ इक्कीस, जब हर समान नहीं होंगे हम तो एलसीएम लेते हैं, अच्छा यहाँ पर हर समान थे तीन यहाँ भी है तीन यहाँ भी है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे छब्बीस से घटाएंगे पाँच इक्कीस बटे क्या तीन जो हर यहाँ पर था, और वाई इक्वल टू ट्वेंटी वन अपॉन नाइन थ्री यहाँ से आ गया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीन और वाई क्या है गुणा है गुणा का उठा क्या हो गया भाग, और जब तीन यहाँ से नीचे आएगा चूंकि यहाँ पर तीन पहले से है तीन जब यहाँ आएगा इसके साथ तीन तियाँ नौ हो जाएगा क्योंकि तीन भी यहाँ नीचे आ गया है तो तीन कितना नौ हो गया, और वाई इक्वल टू ये कट रहा है क्या थ्री से थ्री सेवन या ट्वेंटी वन थ्री थ्री या नाइन तीन से इक्कीस तीन तियाँ नौ सात बटे क्या नौ इसका आंसर है सात बटे नौ।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, थ्री एम इज इक्वल टू फाइव एन माइनस एट अपॉन फाइव, ये लिखा हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे फिर क्या, थ्री एम, और ये भी एम है, ये एम है, ये भी एम वाला पद है, और चूंकि एम वाला पद दोनों क्या है समान हो जाएंगे, तो हम फाइव एम को दाएं से बाएं लाएंगे, फाइव एम क्या क्या कि प्लस है, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या, फाइव एम इक्वल टू माइनस एट अपॉन फाइव, ये इस क्या कि माइनस है, तो माइनस को हम ऐसे लिखेंगे माइनस एट अपॉन फाइव हम लिखेंगे, और थ्री एम माइनस फाइव एम कितना होगा माइनस टू एम, क्योंकि तीन से पाँच लाएंगे ऋण दो आएगा, माइनस टू एम इक्वल टू माइनस एट अपॉन फाइव, ओके। और अब देखिए बराबर के यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस बन गया क्या प्लस, तो आप इस माइनस को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऋण ऋण क्या हो गया धन बन गया, एम इक्वल टू माइनस एट अपॉन टू फाइव या टेन, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे तीन तिया नौ, क्योंकि ये क्या था गुणा से क्या गया भागा गया, चूंकि यहाँ पहले से तीन था तो तीन तिया नौ बन गया, वैसे ही यहाँ पर भी हो गया कि यहाँ पर जो है क्या टू जब यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पहले से क्या है पाँच है, और जब पहले से पाँच है यहाँ दो भी यहाँ गया तो दो पंजे दस हो जाएगा, तो उन्होंने आठ बटे क्या दस, ध्यान रहे मैंने आपको कहा था माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बन गया, तो यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर क्या हो प्लस है, ये कहीं पर माइनस नहीं आएगा, दोनों क्या हो प्लस बन गए वो, और एम इक्वल टू टू फोर जा एट टू फाइव जा टेन, दो चौकू आठ दो पंजे दस, यानी कि चार बटे कितना गया पाँच, तो एम बराबर चार बटे पाँच, तो इसका आंसर है एम बराबर चार बटे पाँच। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.3 के पूरे क्वेश्चन की एक्सरसाइज 2.3 हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया है, आप में से मैंने आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न अच्छा है 30-40 जो होमवर्क दिया है आप उसको होमवर्क अपने आप कर लेना, और यहाँ पर जो बच्चे प्रश्न थे वो आप करना, जो बाकी प्रश्न मैंने कर दिए हैं तो आप एक्सरसाइज 2.3 के सारे प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न छूट रखे हैं आप उनको भी फिर कॉल में करेंगे, और एक्सरसाइज 2.3 को यहाँ से उतारने के बाद मैंने आपको यहाँ पर जो होमवर्क लिखा हुआ, देखिए ये होमवर्क है, ये भी आपको करने हैं, यानी कि आपको एक्सरसाइज 2.3 पूरा करना ही करना है, जो एक दो प्रश्न छूट गए हैं आप वो भी करेंगे, उसके अलावा होमवर्क में जो है ये क्वेश्चन मैंने दे रखे आपको अपनी तरफ से, तो ये भी आप फिर कॉल में करेंगे, यहाँ पर छः क्वेश्चन हैं आपको ये फिर कॉल में करना है, तो आज के लिए आपका काम ये छः क्वेश्चन, पहले आप एक्सरसाइज 2.3 करेंगे पूरी, सारे मैंने कर दिए हैं, बस दो या तीन छोटे हुए हैं आप उनको अपने आप करेंगे, उसके बाद ये होमवर्क करेंगे आप, ये क्वेश्चन दे रखे मैंने आप इनको भी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और आगे हम एक्सरसाइज 2.4 को अगले दिन पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।